गाइज वेलकम बैक टू इंडियन टॉर्क। आज अपने साथ में है जोंटेस 350X। इस पर्टिकुलर बाइक को इंडियन मार्केट में थोड़े दिन पहले ही लॉन्च किया गया है। प्राइस है 3,45,000 रुपीज़। एक कलर है लाइक जिसका प्राइस 10,000 रुपये आपको कम पड़ेगा, बट ये जो पर्टिकुलर कलर देख रहे हो और एक और ब्लैक कलर है उसकी प्राइस आप लोगों को ऑलमोस्ट 3,45,000 रुपीज़ एक्शोरूम पड़ने वाली है। अगर आपका 4 लाख रुपये का बजट है तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हो। इसका कोई सेगमेंट नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर, कोई राइवल नहीं है अभी इस इंडियन मार्केट में जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये जो बाइक का लुक है वो काफ़ी बड़ा लगता है, लाइक लीडर क्लास बाइक ही लगती है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ 350 सीसी की ये बाइक है, जब तक अगर आप लिखा हुआ नहीं देखेंगे। अगर किसी को आप बोल दोगे कि हाँ ये बाइक जो है वो 1000 सीसी की है तो डेफिनेटली लोग मान लेते हैं और हर कोई इसको मुड़ मुड़ के देखता है। तो अगर आपको भी कोई ऐसी बाइक चाहिए जिसको आप सिटी में रोज चला सकते हैं, हाईवे पे लेके जा सकते हैं, और साथ ही अगर आपको टूरिंग करनी है पीछे पैनियर वगैरह लगा के टॉप बॉक्स माउंट करके, तो भी आप इस बाइक के साथ में कर सकते हैं। चलिए फटाफट से मैं आपको बताता हूँ इस बाइक के अंदर क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, फिर चलते हैं इसको लेके चलाने की चलाने में ये बाइक कैसी फील होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो विंड वाइजर मिल रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट के साथ में आता है। अभी यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट वाला फंक्शन है वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। इधर के फंक्शन नहीं बताता हूँ बिकॉज इस बाइक के अंदर चाबी जो है वो नहीं लगती है। लाइक आप लोग यहाँ पर देखना इस बाइक को, ये जो विंड वाइजर है ये देखो डाउन हो गया, ये ऊपर हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होता है। और इसके साथ में मैं दिन भर खेलता रहता हूँ, जब से ये बाइक मेरे पास में 4-5 दिन से पड़ी है मैंने इसको कम से कम 500 बार ऊपर नीचे कर लिया, एक बार भी इसके अंदर फॉल्ट नहीं आया। तो इतनी अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर बाइक के अंदर यूज़ करे गए हैं। डेफिनेटली ये जो कंपनी है वो चाइनीज़ है, बट इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। बॉश से लिए गए, ABS ड्यूल चैनल आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन जो है वो आपको बॉश से लिया गया मिलता है, जो पूरी बॉडी की चेसी है, अलॉय व्हील्स हैं, या कहीं पर भी जहाँ पर मेटल पार्ट है वो कभी कंपनी ने खुद ने इनहाउस डेवलप करे गए हैं। जो 348 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन यहाँ पर दिया गया है वो 38 हॉर्स पावर और 32 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अंदर चाबी नहीं लगती है, कुछ इस टाइप का की फॉब आता है जिसको आप जेब में रख सकते हैं, या जो स्मार्ट वॉच जैसे अगर आप पहनते हैं तो वैसे ही आप इसको पहन के भी रख सकते हैं। और आपको की प्रेस करनी पड़ती है सिर्फ, लाइक की सॉरी लगानी नहीं पड़ती, सिर्फ स्विच जो है वो प्रेस करना पड़ता है। और ऐसे आप स्विच प्रेस करेंगे और आपकी जो बाइक है उसके अंदर जान आ जाएगी। तो ऐसे ही ये बाइक जो है स्टार्ट होती है। अब सपोज़ अगर आपकी बाइक की चाबी आप भूल गए कहीं पे, या अगर आप लेके नहीं आए हो, तो डेफिनेटली आप बाइक के साथ में स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आप सपोज़ बाइक को ऐसे लॉक करना भूल गए हो तो बाइक जैसे मैं दूर आया हूँ ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। पास में आएंगे खुद से अनलॉक नहीं होगी जब तक आप प्रेस नहीं करते हो। बट बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि अरे यार इसके अंदर तो सेल डलता है, जो भी बैटरी डलती है अगर वो लो हो गई तो इस बाइक को कैसे स्टार्ट किया जाएगा। तो एक और फंक्शन है, अगर सपोज़ इसमें से सेल निकल गया तो यहाँ पर ये जो ईमो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको की को ऐसे प्रेस करना है, लाइक रखना है ऐसे लगा के, और साथ के साथ में ही दूसरे हाथ से यहाँ पर ये रेड बटन को प्रेस करना है और आप बाइक को स्टार्ट कर पाएंगे। इसका डेमो मैंने दिया है इसी की ही नेकेड वर्जन जो 350R है उसके अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती हैं, यहाँ पर ये मेन हेडलैम्प है जो कि प्रोजेक्टर सेटअप है, अपसाइड डाउन फॉग 43 mm के, 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक, 265 mm का रियर डिस्क ब्रेक है, ड्यूल चैनल ABS अलॉय व्हील्स, 120 सेक्शन का टायर, ट्यूबलेस टायर, और साथ ही साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम फ्रंट एंड रियर दोनों ही व्हील्स में। इतनी सारी चीज़ें आपको इस सेगमेंट में कोई और बाइक प्राइस इस प्राइस रेंज में भी मान लो कोई नहीं दे रही है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक इस बाइक का कौन से, बट अगेन प्रोज भी हो सकता है क्योंकि आप अच्छी रोड पे जब टूरिंग कर रहे हो तो लो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपकी हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 152 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, बट जब दो लोग बैठ जाते हैं तो ये ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम हो जाता है और जो नॉर्मल स्पीड ब्रेकर है वहाँ पर भी बाइक टच हो जाती है। तो वो एक बहुत बड़ी मतलब परेशानी जो है वो लगती है, या ख़राब रास्तों में जब आप इसको जाओगे तो आपको बहुत ही ध्यान से बहुत ही केयरफुली होके लेके जाना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम इस बाइक के साथ में आ सकती है। लाइक टूरिंग के लिए आप यूज़ करो, जहाँ पर अगर आपको कंटिन्यूसली हाईवे पे 400-500 किलोमीटर जाना है तो सिंगल टैंक में आप जा सकते हो, बिकॉज 19 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक के साथ में आती है। 185 kg का कर्व वेट है, बट अगेन बाइक काफ़ी लाइट फील होती है जब आप इसको चलाना स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को आदत नहीं है बड़ी बाइक चलाने की तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 हफ्ते के अंदर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो आप इस बाइक को लिमिट पे पुश भी कर सकते हो। 795 mm की सीट हाइट है जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया है, सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कुशनिंग है वो भी अच्छी है। पिलियन सीट के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि लंबी अगर आपको जर्नी करनी है तो फिर इसका जो ये मोनोशॉक एब्जॉर्बर इसको सॉफ्टर साइड एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक ये थोड़ा सा स्टीफर साइड एडजस्टमेंट
सेगमेंट के साथ में आता है, तो पिलियन को थोड़े से बम्स जो हैं वो कमर में फील होंगे, पीछे फील होंगे। यहाँ पर अगर आप टॉप बॉक्स लगा दोगे तब भी शायद थोड़ा सा बैठने में परेशानी हो सकती है, या फिर आपको इसको स्ट्रेच करवा के पीछे फिर टॉप बॉक्स माउंट करना पड़ेगा। बट राइडर के लिए कोई परेशानी नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सीट यहाँ पर रखी गई है। ये बैक सपोर्ट मिल जाता है अगर आप हाई स्पीड पर एकदम से थ्रॉटल देते हो लो स्पीड से हाई स्पीड पर जाने के लिए। और यहाँ पर आप दिख रहे हैं ये नीचे ड्यूल एग्जॉस्ट, अब ये ड्यूल नहीं है, सिंगल पाइप से आ रहा है। देखो वो एक पाइप आ रहा है, एक पाइप से दो पाइप निकाल दिए वहाँ पर और इसको डबल बना दिया गया। बट ठीक है, जो भी है, लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम लुक जो है वो बाइक को देता है, बिग बाइक फील जो है आपको आ जाती है। पीछे 160 सेक्शन का टायर दिया है, 160/60/17 टायर, 265 mm का ये डिस्क ब्रेक दिया हुआ है और ब्रेक बाइट्स डिसेंट आती है। ABS अगेन बॉश से लिया गया है 9.1, और पीछे ये टर्न इंडिकेटर्स जो कि हज़ार्ड लैम्प का भी काम करते हैं, मैं आपको वो भी ऑन करके बता देता हूँ। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसके इंडिकेटर दिखा दे रहे हैं। पीछे भी डे टाइम रनिंग लाइट्स आती हैं, ये जो बैक लाइट है ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखो ब्रेक जब लगाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी लगती है ये। आगे भी बता देता हूँ, टर्न इंडिकेटर यहाँ पर दिए गए हैं बाइक के अंदर और कुछ इस टाइप से ही दिखाई देते हैं। लाइक इतने ज़्यादा विजिबल अभी नहीं हो रहे हैं बिकॉज ये दिन है, लाइट काफ़ी ज़्यादा है, बट रात में काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर ये डे टाइम रनिंग लाइट्स और जो इसके लीवर्स हैं ये भी एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं, मैं आपको आगे चल के भी बताने वाला हूँ। पीछे से बाइक पूरी अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख ली है, यहाँ पर ये ओपन चेन ही है बट जो इसके एडजस्टमेंट है वो काफ़ी ईजी हैं। और जो फुटपैक्स की क्वालिटी है ये भी अगेन काफ़ी अच्छे हैं, ईजीली आप इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। 6-speed का ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन अगेन, और ये कुछ इंजन क्वालिटी वाइज कहीं पर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं दिखी कि जहाँ पर मैं आपको कंप्लेन करूँ कि यार यहाँ पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी। नो डाउट जो मेन पार्ट है वो डेफिनेटली मेटल के हैं, बाकी तो जो फायरिंग वगैरह है वो फाइबर की आती है, यहाँ पर कोई मेटल जो है आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी बाइक में अपन ने देखा है। जो साइड स्टैंड है उसको भी हटाना और लगाना काफ़ी आसान है, मैं आपको करके भी बता देता हूँ। ये हटाया, ये लगाया, तो एक हाथ से मैंने बाइक को पकड़ी और एक हाथ से इसको लगा दिया, तो इतना इजी है। अब इस बाइक का मेन पार्ट देखो, एक तो सबसे पहले ये काफ़ी सॉलिड स्टिक यहाँ पर यूज़ करी गई है इनको सपोर्ट देने के लिए, मिरर्स को। तो होता ये है ना कि जो मिरर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिलते नहीं, ठीक है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है जब आप हाई स्पीड पे क्रूज़ करते हैं तब भी। अब ये जो 5 इंच का TFT डिस्प्ले है ये काफ़ी बढ़िया यूनिट है, काफ़ी इजीली आपको सारी चीज़ें इस पे दिखा देता है। ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप अपना फ़ोन जो है वो भी इसके ऊपर चला सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को सपोज़ लंबा जाना है कहीं, तो मैं इसके ऊपर अपना फ़ोन कनेक्ट करके अपना जो गूगल मैप है वो चला देता हूँ और वो इजीली मुझे कहीं पर भी लेके चले जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। जैसे लीवर है वो एल्यूमिनियम फिनिश में डार्क ग्रे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हो। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको ये इसको कम या ज़्यादा तेज करना है। ये वाला थोड़ा सा मैंने शायद ज़्यादा टाइट कर दिया है, ओके ठीक है। ये देखो इसको मैंने टाइट कर दिया ये पूरा, तो अब ये आगे हो गया। अब अगर आपका हाथ बड़ा है तो आप इसको आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर सकते हो। मेरा हाथ नॉर्मल साइज़ है और मेरे को ऐसे पास में पकड़ना थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं इसको पास में कर सकता हूँ। अभी एक हाथ से करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है मेरे को, बट नो डाउट ही हो जाता है। चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं। अभी ये बिल्कुल मैंने पास में कर रखा है, ये देखो मेरे हाथ के साइज़ बिल्कुल मीडियम है। पास स्विच, हाई बीम, लो बीम, हज़ार्ड लैम्प, टर्न इंडिकेटर और ये हॉर्न। उसके बाद मैं इंजन कट ऑफ फंक्शन, इको, स्पोर्ट मोड आप यहाँ से ऐसे ये चेंज कर सकते हैं, और फिर ये मेन हेडलैम्प। उसके बाद में जब ये मेन हेडलैम्प ऑन करते हैं तो पूरी यहाँ पर जो जितने भी स्विचेस आपको दिख रहे हैं सभी में लाइट जो है वो ऑन हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। रात में यहाँ पर सभी जगह बैकलाइट ऑन होती है, रेड और पिंक मिक्स कॉम्बिनेशन है जो आंखों को बहुत ठंडा लगता है। ये जो स्विच है इससे आपका विंड वाइजर जो है वो ऐसे एडजस्ट होता है। ये देखो मैंने प्रेस करा, ये ऊपर आ गया, प्रेस करा ये नीचे चले गया, है ना कमाल की चीज़। ये देखो इसका ऑपरेशन यहाँ से, ये आई थिंक आपको भी देखने में काफ़ी कूल लग रहा होगा, ठीक है। ये फ्यूल अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ से ये फ्यूल सीट और लॉक करनी है बाइक को, तो फ्यूल ओपन करना है, फ्यूल कैप, ये देखो यार एकदम अपने आप में इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देता है ये। सीट ओपन करनी है तभी देखो सीट पूरी टाइट है, पूरी बाइक हिल रही है। मैं सिर्फ इसको प्रेस करूँगा, ये किट की आवाज़ आई और सीट ओपन हो गई और ये एक हाथ से आप सीट जो है बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो जॉन्टिस खुद की कंपनी की ही बैटरी इन्होंने लगा रखी है, यहाँ पर सारे फ्यूज़ दिए गए हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक होता है मेल फंक्शन तो आप इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हो। अगेन सारी चीज़ें एक हाथ से करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, बट नो डाउट मैं मैनेज कर लूँगा इसको।
ये देखो लग गई, लगे 5 सेकंड बट लगा दी मैंने। अब यहाँ पर ये इको मोड, हेडलाइट ऑन ऑफ और ये स्टार्ट स्टॉप बटन, ये मेन जो मास्टर सिलेंडर है फ्रंट वाले ब्रेक का। और हाँ, ये जो लीव अपना हैंडल बार है ये कंप्लीट एक ही बार पे है और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। सपोज़ अभी मैंने इसको लाइक कोई एडजस्ट नहीं करा, जैसे स्टॉक आया ये पास में, अगर मेरे को सपोज़ मेरी हाइट के लिए तो ये ठीक है, बट जिन लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा है 6'1" 6'2" उनके हाथ भी काफ़ी बड़े होंगे, उनको थोड़ा सा दूर चाहिए, तो इसको आपके पास में ऑप्शन है, आप उसको दूर या पास में करना चाहें तो वो आप अगेन एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एडजस्टमेंट आप लोगों को मिल जाते हैं बाइक के अंदर। और इसके अंदर जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सेट और मोड, ये दो स्विच है जिससे मैं इसे कंट्रोल करने वाला हूँ। ये एक लॉक, बैकलाइट यूनिट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इजी कनेक्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसमें आपको यहाँ पर बता रहा है फ्रंट में 36 PSI, रियर में 39 PSI, टेम्परेचर कितना है वो भी आपको बता रहा है। फिर उसके बाद में आप एग्जिट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, दैट्स ऑल। और इंटरफेस अगर आपको चेंज करना है तो आप, जैसे ये स्ट्रीट कर दिया, अभी सपोज़ मेरे को ये भी पसंद नहीं आ रहा तो मैंने इसको सिंपल कर दिया, अब सपोज़ अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो मैंने इसको कैजुअल कर दिया, जो कि मेरे को सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज काफ़ी बड़े बड़े जीरोस यहाँ पर दिखते हैं जो बचपन में मिलते थे। बट इसको ऊपर जो डिजिट नंबर्स आते हैं वो काफ़ी कमाल के आते हैं, यहाँ पर ट्रिपल डिजिट चले जाता है, इधर ये डबल डिजिट में बहुत अच्छी तरीके से चले जाता है। फ्यूल बताता है, ट्रिप बताता है, टेम्परेचर बताता है, सारी चीज़ें, टाइम बता देता है, गियर कौन सा है वो बता देता है, ABS की लाइट आ रही है, बैटरी वोल्टेज जो है वो यहाँ पर बताता है। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ईजीली जो है वो बता देता है। और 19 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, माइलेज अप्रॉक्स आप मान के चलो 27-28 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ऑन एन एवरेज आपको टैंक टू टैंक टेस्ट में मुझे मिला था, तो आपको भी इतना ही मिलेगा, 25-30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा रेव करोगे तो डेफिनेटली फिर 25 से भी कम जो है माइलेज जा सकता है। अभी मैं दूर आया हूँ, बाइक खुद से ऑटोमेटिकली लॉक हो गई है। तो ये है जोंटिस 350X, अब चलते हैं इसको चला के देखते हैं। तो चलते हैं, अब चला के देखते हैं कि कैसी चलती है जोंटिस 350X। हजार्ड लैंप ऑफ, और अभी बाइक बिल्कुल आइडल कर रही है 1800-1600 RPM के आसपास जब हीट हो जाती है तो, और जब ठंडी होती है तो 1800-1900 RPM के आसपास आइडल करती है। अभी मेरे साथ में पिलियन भी है, तो मैं आप लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, क्योंकि ये बाइक ऐसी है कि टूरिंग बाइक है, आपके साथ में पिलियन भी बैठेंगे, ख़राब रास्तों में भी आपको चलना है, सिटी में भी आप चलाओगे इस बाइक को, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हाईवे पे ही चलाओगे। तो अभी एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पर शायद ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाएगा, मोस्टली होता है, अगर अभी भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो ट्रैफिक में कैसा कुछ फील होता है, हीटिंग इश्यूज है या नहीं है, उन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसा रिव्यू अपन स्टार्ट करते हैं तो उसी के बारे में, सीटिंग पोजीशन कैसी है। सीटिंग कंफर्टेबल है, मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे एक बैग लगा हुआ है, फिर पिलियन के साथ में भी एक बैग है, बैकपैक है दोनों, तो हम इस हिसाब से यहाँ पर बैठे हुए हैं बाइक के ऊपर। तो आप बाइक की जो सीट की विड्थ है और लाइक लेंथ है उसके हिसाब से आप उसको पता लगा सकते हो कि दो जने बैठे हैं और दोनों बैकपैक के साथ में बैठे हैं। मेरा वाला बैकपैक सेंटर में है, तो काफ़ी अच्छी जो बोल सकते हैं कि लेंथ और विड्थ जो है वो आपको मिल जाती है, अगर आपकी नॉर्मल बिल्ट है, बॉडी शेप ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है तो। और फिर बात करते हैं कि जो कॉकपिट है बाइक का वो कैसा है, तो अगेन इससे रिलेटेड भी कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें रीडेबल है। जैसे TFT डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो ईजीली मैं रीड कर सकता हूँ, चाहे रात हो या दिन हो, इसकी ब्राइटनेस अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, ये चीज़ भी अच्छी लगती है। फिर अगर आपको इसका UI चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया वॉक अराउंड के अंदर। पावर की कहीं पर भी कमी महसूस नहीं होती है सिटी में, जो चीज़ जैसे अभी वहाँ पर खैर इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला नहीं जिस रोड से अपन अभी आए, एक ही चीज़ ये लगती है कि आपको गियर जो शिफ्टिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। सिटी में आपको परेशानी यही आने वाली है, कभी कभी आप इरीटेट हो जाओगे, वैसे तो कोई हजम सच परेशानी नहीं आती है, क्योंकि लिए आप थर्ड गियर में भी 80-90 की स्पीड तक जो है वो जा सकते हो, लिमिटर की किन होता है लाइक ऑलमोस्ट 92 की स्पीड के आसपास जब आप थर्ड गियर में हो तो 93 पे होते हो, तो वो एक बात है, बाकी हजम सच कोई इशू नहीं है। बट हाँ, जो बहुत बड़े अगर आपके चल रहे हैं जैसे स्पीड ब्रेकर तो वहाँ इशू आता है, वहाँ पर बाइक अगर दो जने बैठे हैं ज़्यादा हेवी हैं तो नीचे से टच होने का डर रहता है, तो थोड़ा सा आपको प्यार से निकालनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी बाइक की तरह ज़ोर से स्पीड में निकाल दो, फिर जो टक करके आवाज़ आती है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अभी यहाँ पर ये जो जॉइंट है ये भी बाइक को जो है लाइक मूवमेंट दे रहे हैं, और वो चीज़ मुझे भी फील हो रही है, आपको भी यहाँ पर जैसे हैंडल बार पर दिख रहा होगा या बॉडी हिल रही है तो पता चल रहा होगा। अभी 6th गियर में हूँ मैं, लाइक 65 के आसपास आते आते आपका 6th गियर जो है वो आ जाता है, और 6th गियर में हूँ 70 की स्पीड के आसपास चल रहा हूँ, 4300 RPM के आसपास जो है वो बाइक रेव कर दी है। और
अगर माइलेज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, तो माइलेज इस बाइक का अराउंड 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास होगा, जो डिपेंड करेगा कि आप कैसे चला रहे हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड ड्राइव करते हो तो डेफिनेटली माइलेज 25 से नीचे जाएगा। मैंने 350 आर जो है उसका माइलेज टेस्ट करा है, अगर आप लोगों को देखना है मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आपको बता भी देता हूँ 27 का माइलेज जो है वो आया था, वहाँ पर मैंने एक्सट्रीमली उसको चलाया था, ट्रिपल डिजिट करी थी, टॉप स्पीड करी थी, हम शूट कर रहे थे, रेव कर रहे थे खड़ी करके बाइक को, तो उन सब कंडीशन में एकदम मतलब जो खतरनाक वाला यूज़ होता है उसमें भी बाइक ने 27 का माइलेज दिया था। मैं थोड़ा अच्छे से चला था तो डेफिनेटली माइलेज 30 प्लस मुझे मिल जाता। और हाईवे पर अगर आप 100 की स्पीड के आसपास चलाओगे तब भी आपको 35-40 के आसपास जो है 35 के आसपास का माइलेज जो है वो मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज है इस साइज़ की बाइक के लिए। बाकी तो अगर आप ऐसे सिटी ट्रैफिक में चलाओगे तो 25-26 के आसपास, 27 के आसपास ही जो माइलेज है वो आपका होने वाला है। अभी जैसे 20 की स्पीड तक मैं चल रहा हूँ फर्स्ट गियर में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सेकंड गियर डाल दिया तो थोड़ा सा मतलब ऐसे फ्रंट एंड डाउन, फ्रंट एंड अप जो है वो फील होता है, बट अगर पावर आपको चाहिए तो आराम से आप ऐसे जो है वो निकल सकते हो। लाइक सिटी ट्रैफिक को आप पीछे छोड़ते हुए देख सकते हो। फोर्थ गियर में हूँ मैं, आपको एक बार स्पीड बता देता हूँ फोर्थ गियर में। ये लिमिटर आ गया 111 की स्पीड पे लिमिटर आया है, और अभी फिफ्थ गियर में आ गए हैं। लाइक 100-120 की स्पीड पे आप आराम से क्रूज कर सकते हो। अगर वाइजर से ज़्यादा हवा आ रही है तो इसको आप ऐसे ऊपर कर सकते हो सिर्फ एक बटन को प्रेस करके, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये काम करता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रिपल डिजिट, इवन तो मैंने 150 की स्पीड पे भी इसको ऊपर और नीचे ऐसे करा है तो ईजिली ये ऊपर नीचे जो है वो हो जाता है। काफ़ी अच्छा फील जो है मुझे ये देता है वाइजर। और एक चीज़ है मेरी हाइट के हिसाब से, ये ऐसा है कि यहाँ से जो हवा कट जाती है वो डायरेक्ट मेरे को सामने ब्लास्ट होती है, तो मेरे को इसको नीचे ही रख के चलाना पड़ता है। जब तक मैं इसको पूरा ऐसे नीचे फेस करके ना चलाऊँ तो मेरे को इसलिए इसकी नीचे वाली सेटिंग ही जो है वो सही लगती है, या फिर इसके ऊपर एक्सटेंडर लगा के इसको कम्प्लीट ऊपर करूँ तब थोड़ा सा ये जो बैटर है फील देगा। बाकी ब्रेक्स वगैरह की बात करें तो ABS इसके ज़्यादा सेंसिटिव मुझे लगे। 350 आर में भी मुझे ABS थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव लगे थे, उसका भी रिव्यू अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं। अभी इस टाइप की रोड पे कोई दिक्कत नहीं है, 160 प्रोफाइल के टायर है, जैसे ही ब्रेक लगाते हैं बाइक अच्छी तरीके से जो है वो स्लो होती है। देखो रियर ब्रेक से मैंने स्लो करी, ईजिली बाइक जो है वो स्लो हो जाती है। और अगर फ्रंट ब्रेक की बात करें तो काफ़ी शार्प और काफ़ी अच्छी बाइट्स देते हैं, बट अगर ख़राब रास्ते पे जहाँ धूल मिट्टी वगैरह होती है वहाँ पर इशू ये आता है कि बाइक का सेंसिटिविटी ABS की ज़्यादा है तो वो टायर को लॉक नहीं होने देता है, और आपकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आपको फिर इंजन ब्रेकिंग के ऊपर ही जो है वो 60-75% जो है मैं बोल सकता हूँ कि रिलाय करना पड़ेगा। 30% फ्रंट और बस 10% पीछे वाले ब्रेक पर आप जो है वो रिलाय कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हैं। अभी गियरबॉक्स के बारे में बात करते हैं। गियरबॉक्स इसका ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। सेंटर में स्लीपर क्लच आपको मिलता है, क्लचलेस शिफ्टिंग इजीली होती है। देखो डाउन शिफ्ट करा, आपको आना चाहिए कि आप अपशिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इजीली कर लोगे, अदरवाइज आप गिर भी सकते हो लॉक करके बाइक को। बट अभी जैसे मैंने आपको करके बताया, इस टाइप की कंडीशन में भी मैं अपशिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग क्लचलेस कर रहा हूँ, कोई परेशानी मुझे नहीं आ रही। मैं फिफ्थ में आया हूँ, मैंने ब्लिप करा और सिक्स में आ गया। मेरे को डाउन शिफ्ट भी मारना है तो मैंने ये डाउन शिफ्ट लेना है, मैं फोर्थ में आ गया। मैं थर्ड में भी आना है, मैं आ गया। सेकंड में आना है, मैं सेकंड में आ गया। तो ऐसे मैं क्लचलेस शिफ्टिंग भी इस बाइक पे आराम से कर सकता हूँ। बस थोड़ा सा आपको प्रेशर बना के अपशिफ्ट करना पड़ता है, पैर का थोड़ा सा जो है वो जोर लगता है। डाउन शिफ्ट बाइक के बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही सही तरीके से डाउन शिफ्ट जो है वो बाइक करती है। अपशिफ्ट में थोड़ा सा आपको फील होगा कि हाँ थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ रहा है उसको लिमिट पर, दैट्स ऑल। तो सस्पेंशन पे आ जाते हैं, और फ्रंट सस्पेंशन इसका मीडियम सेट है, अगेन ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, मतलब लाइक सॉफ्टर साइड में ही है अगर एक तरफ मेरे को डालना है तो इसको। और रियर वाला सस्पेंशन परफेक्टली बैलेंस्ड है स्टॉक, बट अगर ख़राब रास्तों पे चल रहे हो तो डेफिनेटली फिर थोड़ा सा सॉफ्टर साइड आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पिलियन आपको कंप्लेन करने लग जाएगा कि अरे थोड़े झटके लग रहे हैं, या तो भाई धीरे चला, वो एक बात है। बाकी जब आप इस टाइप की रोड पे चला रहे हो तो उसके हिसाब से सस्पेंशन काफ़ी अच्छे, गलती से कोई ऐसे अंडुलेशन वगैरह भी आते हैं तो बाइक आराम से निकल जाती है, कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं आती। अपसाइड डाउन फोक्स काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। हीटिंग की लास्ट में बात करते हैं, तो यार देखो अभी भी मैं चला रहा हूँ, बाइक ऑलमोस्ट हीट हो चुकी है यहाँ पर बता रहा है, बट रेडिएटर किक इन हो गया है। रेडिएटर की आवाज़ ऐसी नहीं आती जब तक आप बाइक को खड़ी नहीं कर रहे हो। बहुत सारी बाइक में आप चला रहे हो, जैसे RR 310 का भी मैं SPT लेके गया था, आपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखी होगी बहुत सारी, उसका रेडिएटर किक इन होता था, मेरे को सुनाई देता था, इधर से आवाज़ आती थी। इसके अंदर कभी मेरे को आवाज़ नहीं आई, इतने किलोमीटर मैंने इसके ऊपर डाल दिए।
और ना ही कभी मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार बाइक बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, पैरों में हीट लग रही है। मैं सारे राइडिंग गियर्स वगैरह पहन के चला रहा हूँ, मैंने राइडिंग पैंट नहीं पहनी ताकि मैं इसकी हीट पहचान पाऊँ। अभी भी मैं पिलियन के साथ में आ रहा हूँ, अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट कर रहा हूँ, थ्रोटल ब्लिप कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ मैं, बट कोई भी ऐसा यहाँ पर बता भी रहा है कि बाइक हीट हो गई है, बट हीटिंग का जो लाइक लेवल है वो बढ़ता है बट आपको फील नहीं होने देता है। तो हीट मैनेजमेंट जो है वो बाइक्स के अंदर काफ़ी अच्छा मुझे फील हो रहा है, चाहे वो 350X की बात करें या R की बात करें। अभी इसके बाद में भी जो बाइक्स अपन चलाने वाले हैं उनमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। नीचे कमेंट करो कौन सी और Zontes फैमिली की बाइक का रिव्यू जो है आप देखना चाहते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये डिटेल रिव्यू, प्रैक्टिकल रिव्यू आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो इंडियन टॉर्क को। इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं हो कनेक्ट हो जाओ। थैंक्स फॉर 60K फैमिली, अपने 60,000 की फैमिली इंस्टाग्राम पे हो गई है। और साथ ही ये जो मिरर्स हैं इनमें भी कोई वाइब्रेशंस वगैरह फील नहीं होती है, जाते जाते याद आया तो मैंने ये भी बता दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाफ फ्रेंड्स, राइड सेफ, राइड सेफ।